हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश कैम। दिस इज शिवाशीष ताश। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 इंग्लिश पोएम ए टाइगर इन द जू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स एंड इट विल हेल्प देम आउट इन देयर एमसीक्यूज। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर दैट यू हैव हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर स्टिल नॉट अ मेंबर ऑफ द इंग्लिश कैम फैमिली सब्सक्राइब नाउ। तो ये जो पोएम है ए टाइगर इन द जू, इट वॉज कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस। सो इस पोएम में बेसिकली एक कंपैरिजन किया गया है एक जू के टाइगर में एंड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। इट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। एक टाइगर जो जू में है उसका लाइफ कैसा है, कैसे वो फ्रीडम के लिए तरसता है, एंड एक टाइगर जो अपने जंगल में है उसके नेचुरल हैबिटेट में है उसका लाइफ कैसा है, इस पोएम में हम लोग यही देखते हैं कि देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू। पोएट कहते हैं कैसे एक टाइगर जो जू में है ही शुड हैव एक्चुअली बीन देयर आउट इन द फॉरेस्ट, उसको फॉरेस्ट में जाना चाहिए था और उसको अपना फ्रीडम एंजॉय करना चाहिए था। ही ऑल्सो सेज अ टाइगर इन द जू स्टॉक्स इन हिज केज वॉक्स सॉफ्टली। हम लोग देखते हैं कि जो टाइगर जू में बंद है, जो अपने जू के केज के अंदर बंद है, जू का जो पिंजरा है उसमें जो टाइगर बंद है उसको तो कोई भी काम नहीं है। ही कैन नॉट गो आउट इन द ओपन, सो ही हैज टू वॉक इन द केज द होल डे। उसके केज में जो चंद कदमों का जो स्पेस होता है वो उसी स्पेस में पूरा का पूरा दिन स्टॉक करता रहता है, वो धीरे धीरे वॉक करता रहता है। एंड ही वॉक्स सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्टली वो वॉक करता है। इस पॉइंट में कहा गया है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उस टाइगर के जो पैर है उसके जो क्लॉज है उन पैरों को वेलवेट से कंपेयर किया गया है जस्ट टू ब्रिंग आउट इट्स सॉफ्टनेस। हम लोग देखेंगे कि जब एक कैट वॉक करते हैं, व्हेन अ कैट वॉक्स इट डजंट मेक एनी साउंड, कुछ भी साउंड नहीं होता है। सिमिलरली द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, सिमिलरली इट डजंट मेक एनी साउंड व्हाइल वॉकिंग। तो यही कहा गया है कि जब एक टाइगर अपने केज के अंदर वॉक करता है इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ ए साउंड। साइलेंट रेज, यहां पे हम लोग एक और वर्ड भी देखेंगे कि वो टाइगर जब अपने केज के अंदर वॉक करता रहता है ही हैज अ साइलेंट रेज। उसके अंदर ही अंदर एक रेज है, एक एंगर है। रेज मतलब एंगर, एक गुस्सा होता है उसके अंदर, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत रखते हैं। इट्स अ साइलेंट रेज बिकॉज वो अगर अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करेगा कोई भी फायदा नहीं है बिकॉज ही इज लॉक्ड इनसाइड हिज केज। सो यही कहा गया है कि एक टाइगर जो कि जू में है वो अपने जू के पिंजरे में ही वॉक करता रहता है, वो वेरी स्लोली एंड साइलेंटली विद अ साइलेंट रेज, अपने अंदर ही एक वो एक शांत किस्म का गुस्सा लेके वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता ही रहता है। शुड बी लर्किंग इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन ये जो टाइगर जो अपने केज में बंद है, जो एक जू में बंद है अपने केज के अंदर और चलता रहता है, वो टाइगर इस चीज के लिए वो नहीं बना है। उसको क्या करना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट में उसको जो शैडो होता है, फॉरेस्ट के जो पेड़ के जो छाव होते हैं उनमें उसको लर्किंग करना चाहिए था, मतलब उनमें उसको छुपना चाहिए था। किस लिए, अपने शिकार के लिए छुप छुप के रहना चाहिए था ताकि उसका शिकार आए एंड ही कैन गो एंड हंट देम, ही कैन गो एंड प्रे ऑन देम। सो दैट इज व्हाट इट सेड, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जो शैडो है उनमें उसको छुप के रहना चाहिए था। स्लाइड थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जंगल में जो घने घने ग्रासेस होते हैं, घने घने लंबे लंबे जो घास होते हैं उनके बीच में से उसको स्लाइड करके जाना चाहिए था, चल के जाना चाहिए था। एंड वेट नियर द वाटर होल फॉर द प्लम डियर, और उसको कहा जाके वेट करना चाहिए था। एक वाटर होल होता है जंगल में, कई सारे होते हैं वाटर होल जहां पे पानी रहता है और जंगली जानवर वहां पे आते हैं पानी पीने के लिए। सो व्हाट दिस टाइगर शुड हैव डन, ही शुड हैव एक्चुअली गॉन देयर एंड उसको पेड़ के छांव में छुप के रहना चाहिए था वाटर होल के पास, ताकि कोई भी अगर वहां पे एनिमल जाए वो उसको अटैक करके खा सके। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ही शुड वेट
near the waterfall for the plump deer. Mention किया गया है किसके लिए उसको वेट करना चाहिए था, plump deer. Plump means fat, healthy. एक बहुत ही मोटा एकदम हेल्दी डियर अगर यहाँ पे आए तो टाइगर का तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज ही कैन गो एंड प्रे ऑन दैट एनिमल. सो उसको जंगल में एक प्लम्प डियर के लिए वाटर होल के पास वेट करना चाहिए था. चलिए देखते हैं उस टाइगर को और भी क्या करना चाहिए था. शुड बी स्नर्निंग अराउंड द हाउसेस एट द एज. पोएम में यह भी कहा गया है कि उस टाइगर को इस जू में ना रहे के ही शुड हैव गॉन टू द फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट के एज पे जो घर है, मतलब फॉरेस्ट के जंगल के ठीक बाहर जो गांव होता है और उस गांव में जो जो घर होते हैं उन घरों में जाके उसको स्नर्लिंग करना चाहिए था, उसको जोर जोर से आवाज ही निकालना चाहिए था लोगों को डराने के लिए. ही शुड बी बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स एंड क्लॉज. और उसको क्या करना चाहिए था, उसके जो व्हाइट फैंग्स है मतलब उसके जो सफेद दांत है वो भी लोगों को जाके दिखाना चाहिए था, और उसके जो पंजे है उसके जो क्लॉज है ये भी लोगों को जाके उसको दिखाना चाहिए था. लेकिन बेचारा टाइगर ये सब कर नहीं पा रहा है, बिकॉज ही इज नॉट इन हिज नेचुरल हैबिटेट. वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, वो एक बेचारा जू के केज के अंदर बंद है. वही कहा गया है लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. वो ये सब नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो एक कॉन्क्रीट सेल में, एक स्ट्रॉन्ग सेल में, एक स्ट्रॉन्ग पिंजरे के अंदर वो बंद है. स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. उसका जो सारा स्ट्रेंथ है, उसका जो इतना शक्ति है उसके अंदर, वो दिखा नहीं पा रहे, बिकॉज उसका जो रियल स्ट्रेंथ है इट्स लॉक्ड बिहाइंड द बार्स. जो उसके पिंजरे के जो बार्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, उसके पीछे उसका सारा स्ट्रेंथ लॉक है, और बेचारा टाइगर ही इज नॉट एबल टू शो दिस टू एनिमल. ही इग्नोर्स द विजिटर्स. और ये क्या कर रहा है ये टाइगर, ये विजिटर्स को इग्नोर करते हैं. जू में जो लोग उसको देखने आते हैं वो इग्नोर करते हैं, बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी, बिकॉज ही इज नॉट फ्री. वो फ्री नहीं है इसीलिए वो लोगों को इग्नोर करता है, वो देख के भी नहीं देखता है, बिकॉज टाइगर के अंदर इतना सारा एंगर है, वो बाहर घूमना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू लिव लाइक ए किंग, लेकिन ही कैन नॉट गो आउट बिकॉज वह एक जू में लॉक्ड है. द लास्ट साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. एंड वो रात को भी सोने से पहले वो लास्ट साउंड क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स का साउंड सुनता है. जो सब गाड़ियां जू में टहलदारी करती है, जो सब देखभाल के लिए, जो सारे गाड़ियां चेकिंग के लिए, गार्ड करने के लिए रहती है, उन सब गाड़ियों का वो साउंड लास्ट सुनता है. लेकिन अगर वो जंगल में रहता ही शुड हैव हर्ड द साउंड ऑफ अदर एनिमल्स. लेकिन यही डिफरेंस है, वो जू में है इसीलिए ही कैन नॉट हियर द नेचुरल साउंड्स. और वो एक ही काम करता रहता है, ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज. अगर हम लोग गौर से देखें तो एक टाइगर के आईज बहुत ही सुंदर होते हैं, इट्स वेरी ब्रिलियंट, बहुत ही ब्राइट होते हैं. सिमिलरली ये टाइगर अपने ब्राइट आईज से वो ब्राइट स्टार्स की तरफ देखता ही रहता है. ही स्टेयर्स मतलब पूरा फिक्स वे में देखना, एक दृष्टि में वो देखता रहता है, और वो सोचता रहता है बेचारा काश मैं फ्री होता, काश मैं भी दूसरे टाइगर्स की तरह जंगल में घूम सकता, और अगर मैं फ्री होता लाइफ वुड हैव बीन सो मच बेटर. सो द पोएम एंड्स हियर. तो हम लोग यही देखते हैं इस पोएम में कि कैसे पोएट एक जंगल के टाइगर और एक जू के टाइगर में डिफरेंशिएट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं. सो अगर आप सभी को यह वीडियो समझ में आया है कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा. और फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश ज्ञान, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू.